बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ब्लड क्या चीज है और ये किस तरह हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जब भी कोई टेस्ट करवाते हैं, मोस्टली टेस्ट जो होते हैं वो हम ब्लड देते होते हैं, तो उस ब्लड से बेसिकली अक्सरियत में टेस्टों को पता चलता है कि ये नॉर्मल चल रहे हैं या अब नॉर्मल चल रहे हैं। किसी ने कोई भी मोस्टली डिजीजेज जो चेक करवा रहा है वो थ्रू ब्लड करवा रहा है, कैल्शियम लेवल हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, कांगो हो, डेंगू हो, तो सारी चीजें बेसिकली हम ब्लड से चेक करवा रहे हैं। तो अब ब्लड के बारे में पता होना हमें जरूरी है। ब्लड क्या चीज है? ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक जो चीज है उसका नाम है प्लाज्मा और दूसरा सेल्स है। और प्लाज्मा जो होता है वो 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा और 45% सेल्स होते हैं। और जो सेल 45% उसमें ज्यादातर जो है वो रेड ब्लड सेल है, और पूरी बॉडी का जो 8% है वो ब्लड होगा। फिर उसके बाद इसकी पीएच कितनी होती है, ये 7.35 से लेके 7.45 तक इसकी पीएच होती है। अगर इसका कलर ब्लड का तभी चेंज होता है जब इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लड का थोड़ा बहुत कलर स्लाइटली चेंज होता है, बाकी जो आप देख रहे हैं वो रेड कलर ही है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है ऑक्सीजन की बुनियाद पर। फिर इसके बाद अगली बात जो है कि ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल सबसे ज़्यादा ब्लड में पाए जाते हैं, और इनकी जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होती है, 100 से लेके 120 डेज तक इनकी लाइफ स्पैन होता है। फिर उसके बाद जो रेड ब्लड सेल है, हीमोग्लोबिन जो है वो भी इन्हीं की बुनियाद पे, हीम और ग्लोबिन इसी से की बुनियाद पे बनती है, HB लेवल जो हमारा होता है। अब ये हमारे बॉडी के टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई में हेल्प करते हैं। और अगली बात जो है वो वाइट ब्लड सेल क्या चीज़ होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो बेसिकली इम्यूनिटी है, बॉडी की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है उसको बेसिकली वाइट ब्लड सेल कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी के अंदर क्या है, वाइट ब्लड सेल, क्योंकि यही सारा वही काम कर रहे होते हैं, बीमारियों के खिलाफ जो वर्क हो रहा होता है सारा वो इसी के थ्रू हो रहा होता है। अब इसके बाद वाइट ब्लड सेल में आगे टाइप्स हैं, उसमें वाइट ब्लड सेल की जो बेसिक टाइप्स हैं उसमें ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। तो ए ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से होते हैं और ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से होते हैं, तो ए ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, सीनोफिल, बेसोफिल वगैरह एटसेट्रा ये सेल्स आ जाते हैं। ये बीमारियों के खिलाफ बेसिकली आम रूटीन में लड़ते हैं। आगे ग्रेनुलोसाइट में हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट हमारे क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट बेसिकली जिसमें हमारे पास सीनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, तो ये चीजें जो हैं बेसिकली बॉडी के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं उनको पकड़ते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास ई ग्रेनुलोसाइट्स, उसमें मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट के आगे टाइप्स हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होता है वो बेसिकली कैंसर के खिलाफ लड़ता है, और बी लिम्फोसाइट जो है बेसिकली एंटीबॉडीज बना है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई डिजीज, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होता है तो उनके खिलाफ जो जंग लड़ती है, जो बॉडी बनाती है, तो वो बेसिकली हमारे पास एंटीबॉडीज होती है जो डिपेंडिंग ऑन बीमारी पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स जैसे डेंगू में बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है और इसकी क्लॉटिंग फैक्टर में बहुत बड़ा किरदार है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती है, यानी कि 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होती है, इसमें कमी आ जाती है, तो उसकी बुनियाद पर बहुत सारे मामला हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।